हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। तो जैसे कि आप चैप्टर का नाम जान रहे हैं, और आपने चैप्टर में जब आपके फ्रेंड जो स्लाइड है वहां पर आप कुछ इमेजेस को देख पा रहे हैं, तो हमने कहा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फूड के बारे में, भोजन के बारे में, और काफी सारी चीजें अभी तक हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, क्या क्या डिस्कस हमने किया है? हमने कहा, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा कि जो भोजन है, भोजन हमें पोषण प्रदान कर रहा है, पोषण दे रहा है। तो हमने कहा कि हमें भोजन में पोषण कैसे देता है, क्योंकि यहाँ पर भोजन में होते हैं कुछ पोषक तत्व, और इन्हीं पोषक तत्वों की मदद से जो यहाँ पे भोजन है वो हमें पोषण देता है। तो अगर हम पोषण की डेफिनेशन, हमने कल पढ़ी थी, अगर हमने पोषण की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी, तो हमने क्या कहा, पोषण भोजन ग्रहण करने व ऊर्जा प्राप्त करके ऊर्जा का शरीर के द्वारा उपयोग करने की प्रक्रिया है। ठीक है, हमने क्या बोला, पोषण हम किसे कहेंगे? हमने कहा पोषण क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसमें हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। हमने कहा कि जो पोषण है वो भोजन ग्रहण करने व ऊर्जा प्राप्त करके ऊर्जा का शरीर के द्वारा उपयोग करने की प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रोसेस है जिसमें हमने भोजन ग्रहण किया, भोजन से हमें ऊर्जा मिली, और इस ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर के द्वारा किया गया। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे, यानी कि न्यूट्रिशन कहेंगे। अब हमने कहा पोषण हमें किस प्रकार से मिला, हमने यहाँ पर क्या किया है, पोषक पोषकों की भोजन में क्या थे, पोषक तत्व थे। जो पोषक तत्व आपके पाए जा रहे हैं वो कहाँ पे पाए जा रहे हैं, भोजन में पाए जा रहे हैं, और तब जाके हमें क्या मिली, यहाँ पे एनर्जी मिली। तब हमने कहा कि पोषक तत्व क्या होते हैं, आपके पास डेफिनेशन आई थी कि पोषक तत्व जो होते हैं वो भोजन के यहाँ पे घटक होते हैं। ठीक है, अब ये जो भोजन के घटक हैं ये क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिन्हें आप पोषक तत्व कह रहे हैं, यानी कि भोजन में कुछ ऐसे तत्व होंगे जो हमारा पोषण कर रहे हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या कहेंगे, पोषक तत्व कहेंगे। ठीक है, अब हमने कहा वो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ तक हम आ गए थे, हमारा प्रीवियस लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था, न्यूट्रिएंट्स था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हमने कहा न्यूट्रिएंट्स हमारे पास कितने आते हैं, छह प्रकार के आते हैं, जिसमें हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट है, हमने कहा प्रोटीन है, वसा है यानी कि फैट है, विटामिन है, खनिज है और जल है। ये आपके क्या आते हैं, पोषक तत्व आते हैं, जिनके बारे में हमने बात कर ली थी। अब करना क्या है, एक एक करके इन सारे पोषक तत्वों को हमें पढ़ना है, और हमें ये देखना है कि ये जो पोषक तत्व हमारे पास आते हैं इनके क्या क्या कार्य होते हैं हमारे शरीर में, और क्यों हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। उससे पहले आप देखिए कि आपने अभी तक ये सारे पोषक तत्व अपनी कॉपी में नोट किए हैं या नहीं किए हैं। चलिए तो स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की, और आपने कहा कि कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करना है कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या कहाँ पाए जाते हैं, और हमने कहा उसके कुछ एग्जांपल हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट गिव्स द एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। यहाँ पर आपको जो कार्बोहाइड्रेट है वो ऊर्जा देता है,
ठीक है, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा ऊर्जा आपको कहाँ से मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। लेकिन हमने कहा दे आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने कहा ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो जितने भी आपके क्या है इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें से एक है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो यहाँ पर आपने कहा कि क्या करेगा, एक तो एनर्जी देता है हर एक एक्टिविटीज के लिए, दूसरा हमने कहा कार्बोहाइड्रेट गिव्स क्विक एनर्जी। कैसी एनर्जी देता है, एकदम क्विक एनर्जी देता है। क्विक का मतलब होता है जैसे कि आपने भोजन को ग्रहण किया, भोजन का पाचन हुआ, जब भोजन का पाचन हुआ तो अब पाचित भोजन से आपको ऊर्जा मिलेगी। तो ये जो प्रोसेस है ये लंबी होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें तो और भी एक और न्यूट्रिएंट्स आपके आता है जिसमें हम फैट और वसा की बात करेंगे, वो भी आपको एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट भी आपको एनर्जी देता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट कैसी एनर्जी देता है, क्विक एनर्जी देता है। अब ध्यान दीजिए, एक बार हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर एनर्जी मिली तो कैसे मिली। देखिए अभी तक हमने क्या बात की है कि कार्बोहाइड्रेट काम करने और खेलने के लिए क्या करता है, ऊर्जा देता है। वे सभी जीवित जीवों के लिए आवश्यक है, यानी कार्बोहाइड्रेट सभी जीवित जीवों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा देते हैं। कैसे ऊर्जा देते हैं, त्वरित, त्वरित का मतलब है एकदम से देते हैं। अब ऊर्जा हमें कैसे मिलती है, हमने क्या सीखा है, जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे पाचन कैसे होता है। पाचन आपने शब्द सुना होगा, चलिए पाचन नहीं सुना है तो आपने इतना सुना होगा कि भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब हमने कहा क्या हुआ, आपने भोजन को क्या क्या ग्रहण किया, जब ग्रहण किया तो कहाँ किया, आपने अपने मुख में लिया, अपने मुंह में लिया, आपने क्या किया निवाला लिया, अपने मुंह में लिया। अब आप क्या करेंगे, उसे चबाएंगे। ठीक है, तो आपके दांतों के द्वारा जो भोजन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होगा, विभाजित होगा। ऐसे ही होता है हम खाना खाते हैं। अब इमेजिन करने, जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ आप क्या करेंगे, रिलेट करते रहेंगे खुद से कि क्या हो रहा होगा। मैंने कहा हमने क्या किया, आपने रोटी की एक बाइट ली, रोटी को खाया, जब आप रोटी को चबा रहे होते तो एक्चुअली में हम कर क्या रहे होते हैं, हम रोटी को छोटे छोटे पीस में तोड़ रहे होते हैं ताकि निगलने में क्या हो, सहायक हो। ऐसा ही होता है, इसमें जब हम चबा रहे होते तो क्या कौन कौन सी जो चीजें हैं, कौन कौन से जो ऑर्गन है या हमारी बॉडी के कौन कौन से वो पार्ट हैं जो यहाँ पे भाग लेते हैं। आपने कहा आपके टंग, आपकी जीभ और आपके दांत तो हैं, क्योंकि दांत मेनली जो काम कर रहे हैं तोड़ने का या चीरने फाड़ने का, वो कौन कर रहे हैं, हमारे दांत कर रहे हैं। तो हमारे दांत हैं, हमारी जीभ है, इसके अलावा हमारा लार जो होता है जिसे हम साधारण भाषा में थूक कह देते हैं, जो हमारा लार या हमारा सलाइवा होता है वो भी यहाँ पे क्या काम करेगा। ठीक है, और ये सब, ये तीनों चीजें मिल करके क्या कर रहे हैं, हमारे मुख में काम कर रहे हैं। जब हम क्या कर रहे होते हैं, खाने को चबा रहे होते हैं, तो आप कभी नोटिस करना कि बिना सलाइवा के या बिना लार के हम भोजन को नहीं चबा सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, या कभी आपने, अब आप कहेंगे कि हम ऐसा कैसे फील कर सकते हैं क्योंकि हमारे मुंह में तो हर वक्त सलाइवा होता है। ऐसा होता है जब आप ब्रेड खाते हैं, जब आप बंद खाते हैं, ऐसे फूड खाते हैं जो कि क्या करते हैं, सोखने का काम करते हैं, ब्रेड और बंद सोखने का काम करते हैं। जब आप ब्रेड और बंद खाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपका पूरा मुंह सूख गया है। ठीक है, और चबाने में क्या हो रही है, आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी फील हो रही है और आप उसे निगल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या करेगा, जो सलाइवा है वो चबाने में मदद करेगा, लेकिन सिर्फ चबाने में मदद नहीं करता है बल्कि पाचन में मदद करता है। पाचन का सिंपल सा मतलब समझिए अभी के लिए, कि आपने कहा ये पूरी एक रोटी थी, अब इस रोटी में से आपने छोटा एक क्या ले लिया है, बाइट ले लिया है। ठीक है, ये इतना है और आपके पास इतनी रोटी बच जाती है, ये रोटी है। इस रोटी में से आपने क्या कर दिया, एक टुकड़ा निकाला, ठीक है, एक बाइट आपने निकाल दिया है और ये टुकड़ा है। अब आप इसे क्या करेंगे, चबाएंगे। अब आप इसे क्या होगा, यहाँ पे चबाना होगा, यानी कि आप क्या करेंगे, उस जो बाइट आपने लिया आप उसे चबाएंगे। जब आपने चबाया इसे तो आपने कहा कि ये अब बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया है। आपने इसे और चबाया तो आप देखते हैं कि ये सेमी सॉलिड बन जाता है। सेमी सॉलिड आप जानते हैं, अर्ध ठोस जिसे हम कहते हैं। अर्ध ठोस का मतलब है अभी तो रोटी ठोस है, ये भी ठोस है। अब आप जब चबा रहे हैं तो तब भी वो ठोस था, आपने बहुत अच्छे से चबाया और ऐसा चबाया कि अब वो अर्ध ठोस हो गया, यानी कि वो ना तो पूरा ठोस है ना ही द्रव है। बीच की जो सिचुएशन आती है कि आपने रोटी के टुकड़े को बहुत अच्छे से चबा लिया है, फिर क्या होगा कि आपने क्या किया, यहाँ पे सलाइवा के द्वारा आपके भोजन का पाचन हुआ। पाचन कैसे हुआ, हमने कहा कि
इस भोजन में सारे ही पोषक तत्व होंगे जितने हमने पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ठीक है, विटामिन्स होंगे, हर एक चीज जो भी आप खाना खा रहे हो उसमें सारे पोषक तत्व हैं। पोषक तत्व भी क्या होंगे, छोटे छोटे भागों में विभाजित होंगे। जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक जटिल भोज्य पदार्थ है जो कि क्या होता है, पचाने में जो इतनी जल्दी नहीं पचेगा। कैसे पचेगा, जब इसे छोटे पार्ट में तोड़ा जाएगा। तो सिर्फ भोजन के छोटे टुकड़े नहीं हो रहे हैं, बल्कि यहाँ पे जो पोषक तत्व हैं उनके भी छोटे टुकड़े होंगे। अब हम एक काम, छोटे टुकड़े क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा भी तो हो सकता था, आपने रोटी का निवाला लिया, आपने थोड़ा चबाया और आपने निगल लिया और हो गया, डाइजेशन हो गया। ऐसा नहीं होता है, जब आप निगल लेते हैं तो आपके पेट में जो भोज्य पदार्थ है वो और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, यहाँ पे विभाजित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ताकि जो पाचित भोजन है वो हमारे रक्त में आराम से क्या हो जाए, अवशोषित हो जाए। अब हमारा रक्त कैसा है, हमने कहा लिक्विड है, पूरा है, तरल है हमारा द्रव, हमारा रक्त जो है वो पूरा तरल है। अब जो तरल में कोई चीज एब्जॉर्ब हो रही है तो आपने कहा कि वो ठोस तो नहीं करेगी एब्जॉर्ब, कैसा होना चाहिए, बहुत इतना महीन होना चाहिए कि जो आपका जो ब्लड है वो क्या कर सके, अवशोषित कर सके। अब हमने कहा जब आपने चबाया तो इसमें क्या हुआ, लार ने यहाँ पे पाचन किया, तो लार कौन से पोषक तत्व का पाचन करती है, ये आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर क्या होगा, लार होगा, और लार कौन से पोषक तत्व का पाचन करती है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। पाचन का मतलब आप क्या समझे, कि किसी भी चीज को, किसी भी भोज्य पदार्थ को, किसी भी पोषक तत्व को छोटे भागों में विभाजित करना। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ये कार्बोहाइड्रेट है, अब इसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया है, फिर इसे हमने और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया है, अब इसे हमने और छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब ये आपको क्या दिख रहा है, कुछ तरल सा दिख रहा है, अर्ध ठोस दिख रहा है, तरल भी नहीं दिखेगा लेकिन अर्ध ठोस दिखेगा। यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट अगर और ये छोटे 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 भागों में टूटा तो यही पाचन है। हमारी बॉडी में एक्चुअली में पाचन ऐसे ही होता है। आप दाल चावल रोटी सब्जी आप फ्रूट लेते हैं तो यही सारी चीजें फॉलो होती हैं कि जो भोज्य पदार्थ है वो छोटे छोटे भागों में टूटेगा। तो लार क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। फिर जब भोजन कहाँ जाएगा, आपके पेट में जाएगा, आपके स्टमक या अमाशय में जाएगा, सभी एक ही है, पेट स्टमक अमाशय, ठीक है। जब भोजन वहां जाएगा तो वहां भोजन और ज्यादा छोटे टुकड़ों में विभाजित होगा और वहां पर भी फिर से पाचन की प्रक्रिया होगी। लेकिन हमें यह देखना है कि कहाँ पर किस पोषक तत्व का पाचन हो रहा है। मुख में किसका हुआ, कार्बोहाइड्रेट का, स्टमक में किसका होता है, प्रोटीन का होता है। अब हमारे पास आती है छोटी आंत। अब आपको छोटी आंत बड़ी आंत अभी नहीं पता होंगे, हो सकते हैं कि कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा कि बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी के जो इंटरनल पार्ट होते हैं, आंतरिक अंग होते हैं, उनमें हो सकता है आपने पढ़ा होगा या आपने सुना होगा, इंटेस्टाइन या आंत आपने सुनी होगी, ठीक है, आंत तो आपने सुनी होगी। ये बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि जो आंत है, बहुत सारी जो चीजें होती हैं, जैसे कि किसी को इन्फेक्शन हो गया है या किसी को कोई बीमारी हो गई है आंतों की, तो ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी। अब आपने लेकिन अगर आंत नहीं भी सुनी है तो आपने पेट सुना है, स्टमक हम इसे जिसे कहते हैं, अमाशय भी कहते हैं। पेट में जब खाना जाता है तो पेट के बाद आगे के जो अंग है उनमें भोजन जाता है, जिसे हम आंत कहते हैं। आंत दो प्रकार की होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। अगर आप यहाँ पर देखना चाहें, अगर आप यहाँ पर देखना चाहें कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारा कैसे होता है, तो देखिए जब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट है, ये आपका मुंह है, ठीक है, ये आपका मुंह है। अब ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि हमारा मुंह ऐसा तो नहीं होता है, सिंपल सी बात है, ये इस प्रकार से ये आपकी नोज आ जाएगी और ये आपकी क्या आ जाएगी, चीन आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, मुंह हो जाता है इस प्रकार से। तो चलिए ये आपका क्या है, मुंह है, ये वाला पोर्शन। अब ये आपकी भोजन नली आती है। भोजन नली क्या होती है, जब आप भोजन को निगलते हैं तो आपने फील किया होगा। अब ये तो हमारी क्या है, विंड पाइप है, इसे हम वायु नली कहते हैं। यहाँ से तो हम सांस लेते हैं, जिसे आप टच कर पा रहे हैं या जिसे आप देख पा रहे होंगे मुझ में, तो ये आप देखेंगे जब आप बात करते हैं तो आप यहाँ पे जो वाइब्रेशन है उसे फील कर सकते हैं, ऐसे करके वाइब्रेशन फील कर सकते हैं। इसके पीछे एक और नली होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, इसके पीछे क्या होगी, एक और नली होगी। तो होता क्या है, देखिए ये आपका मुंह है, ये आपका क्या आ जाता है, वायु नली, और ये आपकी क्या आ जाती है, भोजन नली। जो आपको दिखाई दे रही है वो ये है, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रही है, जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ ये वाली, वो ये है, और उसके पीछे एक और नली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, भोजन नली कहते हैं। भोजन नली के बाद हमारे पास आता है पेट
या जैसे हम कहते हैं स्टमक, ये हमारा स्टमक हो गया है, और यहाँ से नली निकलती है जो बहुत ज्यादा कुंडलित रहती है। इस प्रकार से ये बहुत ज्यादा कुंडलित नली है, इसे हम कहते हैं आंत। और हमारे पास एक और आंत होती है इसके बाद वाली, इसके बाहर जो होती है एक और आंत होती है। तो आंत जो है वो दो प्रकार की होती है, जो पहले आती है ये जो बहुत कुंडलित है इसे हम कहेंगे छोटी आंत, और ये जो आपको दिख रही है बाहर से इसे हम कहेंगे बड़ी आंत। तो आपने खाना खाया, यहाँ पे चबाया आपने खाना, फिर खाना कहाँ से गया, भोजन नली से कहाँ के कहाँ पे गया, आपके पेट में गया। तो यहाँ पर जो आपका मुख है कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, जब भोजन कहाँ गया आपके पेट में गया तो यहाँ पे होता है प्रोटीन का पाचन। अब ये जो भोजन है अब ये छोटी आंत में जब जाता है तो छोटी आंत में सारे पोषक तत्वों का पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है और फैट भी है, सारे ही पोषक तत्वों का क्या होगा, पाचन होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर हमारे बॉडी में कौन से पार्ट होते हैं और कैसे भोजन जो है वो क्या होता है आगे की ओर बढ़ता है और पाचन की प्रक्रिया होती है। बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि डाइजेशन कैसे होता होगा हमारी बॉडी में। ठीक है, हमने कहा आप मुख को जानते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो आपने कहा ये हमारा मुख है जिसमें हमारे दांत होते हैं, हमारे टीथ होती है, हमारे सलाइवा या थूक होता है। अब हमने कहा जब हम निगलते हैं तो आप फील कर सकते हैं अपनी भोजन नली को, कभी कभी होता क्या है कि हम भोजन को अच्छे से नहीं चबाते हैं और हम निगल लेते हैं तो खाना अटक जाता है बीच में, फिर आप पानी पीते हैं तो कहाँ पर खाना अटका, आपने कहा आपकी भोजन नली में, जो इसके पीछे जो नली है वहां पर अटका। फिर आप क्या कहते हैं आपका जो टमी है पेट है, हम क्या कहते हैं मेरा पेट बाहर निकल रहा है क्योंकि मैंने एक्सरसाइज नहीं की है। ठीक है, तो पेट को भी सभी लोग जानते हैं तो खाना कहाँ जाता है, पेट में जाता है। जब आप खाना खाते तो आप क्या कहते हैं मेरा पेट फुल हो गया है, ऐसा होता है। तो आप पेट को भी जानते हैं, पेट के बाद आप इंटेस्टाइन को नहीं जानते होंगे जिसके बारे में हमने हल्की सी यहाँ पे क्या की है डिस्कस हमने किया है। अब भोजन से ऊर्जा कैसे मिलती होगी, कभी सोचा है, जब भोजन का पाचन होता है पूरा जो पाचन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या जो छोटी आंत है किसके बाद आती है, छोटी आंत हमारे पेट के बाद, पेट के बाद जो हमारे पास जो बहुत कुंडलित जो हमारे पास नली जैसी संरचना बनती है उसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। ठीक है, इसे हम कहते हैं छोटी आंत। अब हमने कहा जब भोजन का पूरा पाचन हो गया है, पाचन का मतलब है कि सारे पोषक तत्व तो बहुत छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गए हैं, इतने छोटे भागों में विभाजित हो गए हैं कि अब उनका एब्जॉर्प्शन हो सकता है क्योंकि अब वो सॉलिड नहीं है, वो ठोस अवस्था में नहीं है, अब वो इतने महीन हो गए हैं, इतने छोटे कण बन गए हैं कि अब उनका जो एब्जॉर्प्शन है उनका जो अवशोषण है वो हो सकता है। तो जो जिस भोजन का पूरा पाचन हो गया है उसे हम कहते हैं पाचित भोजन। पाचित भोजन को आप एक और चीज कह सकते हैं ग्लूकोज, क्या कहेंगे पाचित भोजन को, ग्लूकोज कहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ गया है पाचित भोजन या ग्लूकोज, दोनों एक ही चीज है, ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज कुछ और है पाचित भोजन कुछ और है। हमने कहा आप क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज आ गया है अब हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, लेकिन अभी इस ग्लूकोज से आपको ऊर्जा नहीं मिल सकती है जब तक कि इस ग्लूकोज को तोड़ा ना जाए। अब इसे भी हमें तोड़ना होगा, देखिए हमने क्या किया है, हम कह रहे हैं हमने खाना खाया, खाने को छोटे छोटे भागों में तोड़ना पड़ेगा, कुछ हमारे मुख में टूटा, कुछ हमारे पेट में टूटा, टूटा यानी कि भोज्य पदार्थ आपस में छोटे छोटे भागों में टूटे। तो हमने कहा कि हमें क्या करना है, भोज्य पदार्थ को बहुत महीन बनाना है, तो जितना हम चबाते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि हम बहुत चबाएंगे तो हम महीन तो हम अपने मुख में ही बना लेंगे भोज्य पदार्थ को, ऐसा नहीं होता है। आप कितना भी चबा लेंगे भोजन को तो भोजन फिर भी क्या होगा, और छोटे भागों में टूटेगा, आपके स्टमक में और आपकी छोटी आंत यानी कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब हमने कहा कि जो पाचित भोजन है जो सबसे महीन रूप होगा उस भोज्य पदार्थ का वो है ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज को भी तोड़ना पड़ेगा तब ऊर्जा निकलेगी। अब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, कुछ और चीज चाहिए होगी, ऐसा नहीं है कि हमारे कोई और अंग होंगे वो हमें यहाँ पर ग्लूकोज को तोड़ने में सहायता करेंगे। जो ग्लूकोज है ग्लूकोज को हम दिखाते हैं जी से, जी फोर ग्लूकोज। ठीक है, अभी तक आपने जी फोर गोट पढ़ी थी, अब हम जी फोर ग्लूकोज पढ़ रहे हैं, क्लियर है इतना। अब जी फोर ग्लूकोज क्या है, इसे तोड़ना है, मैं सिर्फ जी लिख रही हूँ, ठीक है, ये पूरा ग्लूकोज है। इसको तोड़ने के लिए हमें चाहिए होती है एक प्रकार की वायु, एक प्रकार की गैस,
उस गैस का नाम है ऑक्सीजन। ठीक है, अब जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे थे तो हमने बात की थी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की, हमारी जो बेसिक नीड होती हैं, ठीक है, जो नेसेसरी होती हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। उसमें हमने कहा था सबसे फर्स्ट हमने ऑक्सीजन की बात की थी, फिर हमने वाटर की बात की थी, फिर हमने फूड की बात की थी। ये ऑक्सीजन क्या है, हमने कहा ये एक प्रकार की गैस होती है जिसे हम अपनी जब हम श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो हम इसे इनहेल करते हैं या अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। ये होता है, आपको क्या कहा जाता है कि अपनी सांस अंदर लीजिए। जब आप सांस अंदर ले रहे होते हैं तो वो आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, फिर कहा जाता है अपनी सांस छोड़िए। जब आपको योग सिखाया जाता है, जब आप योग कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा, टीवी में आपने देखा होगा कि अपनी सांस को लीजिए और फिर सांस को छोड़िए। ठीक है, जब आप सांस को ले रहे हैं अंदर अपनी बॉडी के अंदर, तब हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऑक्सीजन भी एक गैस है जिसे हम O2 से लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है जिसे हम CO2 लिखते हैं। दोनों एक गैस हैं, हमें इस गैस की आवश्यकता है, हमें इस गैस की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसे अपनी बॉडी से हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब हमने कहा इस ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता होती है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़ता है। ठीक है, जब ये ग्लूकोज को तोड़ेगा तो फिर ग्लूकोज के टूटने पर हमें मिलती है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। क्या मिलती है हमें, ऊर्जा मिलती है। कौन सी ऊर्जा, वही ऊर्जा जिसे आपने सिर्फ एक लाइन में पढ़ा था कि आप भोजन को ग्रहण क्यों करते हैं, और आपने कहा था कि हम ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भोजन को ग्रहण करते हैं। अब ये जो ऊर्जा है, जिस ऊर्जा की हम बात कर रहे थे वो ये है, इसके साथ कुछ और भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और जल भी बनता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए क्या होता है हम अपने बॉडी से इसे बाहर निकाल देते हैं। जब आप सांस को छोड़ते हैं, होता है आपने सांस अंदर ली, आपने सांस छोड़ी, जब आप सांस छोड़ेंगे तो आप इसको बाहर निकाल देंगे। जब सांस अंदर लेंगे तो ऑक्सीजन का हम यूज करेंगे, ऑक्सीजन क्या करेगी, ग्लूकोज को तोड़ करके हमें ऊर्जा देती है। यही जो ऊर्जा है इसी से हमारा क्या होता है, पोषण होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के ऑर्गन इसका उपयोग कर रहे हैं। कैसे करेंगे, हमने कहा हमारी वृद्धि होगी, कैसे वृद्धि होती है, जब हम देखते हैं कोई छोटा सा बेबी है, कोई भी जीव है, हम सिर्फ मनुष्य की बात नहीं करें, हम किसी भी जीव की बात करें, पहले वो बहुत छोटा होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका वेट भी बढ़ेगा, यानी उसका भार बढ़ता है, ठीक है, और उसकी लंबाई भी बढ़ती है, ठीक है, उसकी जो हाइट है वो भी बढ़ेगी। अब आप देखते हैं कि जब वो छोटे से बड़ा होता है तो उसके हर एक ऑर्गन, उसके हाथ, उसके पैर, वो सारे जो ऑर्गन है उनमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। तो ये वृद्धि किसकी वजह से हो रही है, इसी ऊर्जा, ये जो आपको भोजन से ऊर्जा मिली है, तो आपने कहा कि इसी की वजह से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। फिर आपने कहा जब आप बड़े हो जाते हैं तो एक टाइम के बाद ऐसा नहीं कि आपकी हाइट बढ़ती रहती है, प्लांट्स की जो हाइट है वो तो बढ़ती रहती है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। एक एज आने के बाद, आपने कहा 19, 20, 21, 22 या मैक्सिमम 23, 24 तक किसी की अगर हाइट बढ़ रही है, इसके बाद किसी की हाइट नहीं बढ़ती है। इसके बाद लेकिन क्या होता है, अब आप कहेंगे कि हमने कहा था कि भोजन क्या करेगा, हमारी वृद्धि करेगा, लेकिन अब तो हमारी वृद्धि नहीं हो रही है। देखिए, सिर्फ हाइट हमारी रुकी है, बाकी जो और चीजें हैं उनमें तो हो रही है। आपने कहा कि धीरे धीरे क्या है, आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, आपने कहा कि आपके बॉडी में कोई कटफट हो जाता है, जैसे हमें चोट लग जाती है, चोट लग जाती है तो हमारे बॉडी, हमारी जो स्किन है वो निकल गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाहे कोई गहरी चोट है या कोई बाहरी चोट है, तो आपने कहा कि स्किन अगर निकल गई है, वो घाव बन गया है, तो वो घाव कैसे भरा है, आपने कहा उसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे, जो पोषक तत्व थे, उन्हीं की वजह से वो घाव भर रहा है, तो वो भी क्या एक प्रकार की वृद्धि है। ठीक है, वहां पर भी क्या हो रहा है, रिपेयर हो रहे हैं आपके ऑर्गन। इसी के साथ साथ हमने कहा जो डेली एक्टिविटीज है वो भी हम इस ऊर्जा की सहायता से कर रहे हैं। अब आपको बताया गया है कि ऊर्जा आपको किस प्रकार के पोषक तत्वों से मिलती है, तो हमने कहा ऊर्जा हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है हमें ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अब यही जो कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम पढ़ रहे थे, हमने कहा कि क्या इसके कार्य होंगे, कार्य को पढ़ लेंगे और इस कहाँ पे ये पाया जाता है उसे पढ़ लेंगे। तो कार्य तो आप जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, दीज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, गेट ऑक्सीडाइज एंड प्रोड्यूस्ड एनर्जी। सेम चीज आपको बोली गई है, क्या बोला गया है,
कि इसका कार्य क्या है कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्राप्त करते हैं श्वसन के दौरान, ये ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और ऑक्सीकृत होते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो इस लाइन में आपको ये बोला गया कि कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन हुआ तो कार्बोहाइड्रेट बन चुका है ग्लूकोज। क्या बना? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। तो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट कह रही हूँ इसका मतलब है कि जो भोज्य पदार्थ है वो भी बहुत जटिल है। जटिल का मतलब है कि वो बहुत छोटा नहीं है, वो सूक्ष्म नहीं है, वो छोटा नहीं है, वो अभी क्या है जटिल रूप में है अपने, और उसका जो अवशोषण है वो नहीं हो सकता है। अब आप एक रोटी है तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये रोटी हमारे रक्त के द्वारा क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए? ऐसा तो नहीं होता है। ये जो रोटी है जब आप इसे चबाएंगे इसका पाचन होगा और ये बहुत महीन कण में जब ये परिवर्तित होगा तब हमारा जो ब्लड है वो क्या करेगा, इसे अवशोषित कर सकता है, हमारे ब्लड में ये ऐड हो सकता है। तो आपने कहा कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में परिवर्तित होगा। कैसे होगा? जब इसका पाचन होगा, जब कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे भागों में टूटेगा और इस ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन मिली तो आपको मिली यहाँ पे ऊर्जा या एनर्जी, ई फॉर एनर्जी, और आपको मिला कार्बन डाइऑक्साइड और आपको मिला यहाँ पे जल। तो आपने कहा इस कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम क्या करते हैं, सांस के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग हम क्या करेंगे, अपने हर एक काम में करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कि इसके क्या क्या आपके पास क्या आते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ पाया जा रहा है वो हम देखते हैं। आपने कहा जो ग्रेप्स जूस है, ब्लड शुगर है, हनी है, फ्रूट्स है, राइस है, पोटैटो है, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट? आपने कहा अंगूर का जो रस होता है, ब्लड शुगर शहद होता है, फल है, चावल है, आलू है, शकरकंद। आलू, चावल, शकरकंद, ये क्या होते हैं यहाँ पे मेनली हम कहते हैं कि जब भी आपसे पूछा जाता है कि बताइए कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या, हम कहते हैं चावल है, आलू है। तो अगर हमें इस बात से हम क्या समझे, हम क्यों पढ़ रहे हैं कि जो पोषक तत्व होते हैं किस पोषक तत्व से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, हम इसलिए ऐसे पढ़ रहे हैं कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करें, उसी प्रकार का भोज्य पदार्थ ग्रहण करें। जैसे कि अगर कोई शारीरिक श्रम करते हैं तो जैसे हम अपने घरों में देखते हैं, हो सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स शारीरिक श्रम करते होंगे, ठीक है, या हमने कहा कि कोई भी जो आप जैसे घर बनाते हैं तो घर बनाने में जो मजदूर होते हैं वो भी शारीरिक श्रम बहुत ज्यादा करते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे घर गाँव में शारीरिक श्रम सभी करते हैं, हम अपने खेतों में काम करते हैं, आप पानी लेके आते हैं, आपके जो गाय होती हैं आप गाय चराने जाते हैं, वो सारे शारीरिक श्रम में आता है। तो जो शारीरिक श्रम ज्यादा करेगा वो क्या करेगा, उसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगी। जितना आप ज्यादा काम करोगे उतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और अगर आपको ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो आप ऐसे भोज्य पदार्थ को ग्रहण करेंगे जिसमें ऊर्जा आपको ज्यादा से ज्यादा मिले। तो इसीलिए आप पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलता है। तो अगर आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट से आपको ऊर्जा मिलती है, जैसे कि मैंने कहा कि कार्बो अगर आपको ऊर्जा चाहिए तो आप प्रोटीन लेंगे या आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे? आपने कहा हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे क्योंकि हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। अब प्रोटीन का क्या कार्य होगा वो हम पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो चीजें हैं वो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। चलिए, तो इतनी बात क्लियर है, हमने पहला जो न्यूट्रिएंट्स है उसके बारे में हमने बात यहाँ पे कर ली है। अब हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। अब आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में क्या डिफरेंस था, ठीक है, कब आपको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेना चाहिए, कब आपको प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए। देखिए, आपको लेने तो सारे हैं, ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपको कहा कि अगर कोई शारीरिक श्रम ज्यादा कर रहा होगा यानी कि फिजिकली वो ज्यादा एक्टिव होगा, उसे ज्यादा काम करना पड़ता है, तो वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट ही लेगा, वो कार्बोहाइड्रेट ही लिए जा रहा है और बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं ले रहा है, ऐसा नहीं होता है। हम बात करते हैं संतुलित आहार की, और संतुलित आहार में आपके सारे पोषक तत्व तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, सारे पोषक तत्व तो आपके लिए क्या है, अनिवार्य है, नेसेसरी है। बस देखना ये कि ज्यादा मात्रा में आप क्या लेंगे, आप अपनी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपने भोजन में ज्यादा मात्रा में कौन सा पोषक तत्व लेते हैं, ये आपको देखना है कि आप किस प्रकार का काम करते हैं। अब हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। आपने कहा मिल्क, फिश, मीट, चीज एंड एग्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। अब जो प्रोटीन आपको मिला है मिलता है वो आपको दो जगह से मिल सकता है। अगर हम कहें कि हमें अपना रहा भोजन कहाँ से मिलता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए हम अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो अगर आप सोचेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप
वो जो भोज्य पदार्थ हैं जो आप खाते हैं, जो भी फूड आइटम्स आप खा रहे हैं, अब आप सोचेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप चावल खा रहे हैं, अब आप सोचिए चावल कहाँ से आए होंगे, क्योंकि आपने कहा चावल क्या लगे हैं, पौधे पे लगे थे, यानी कि खेतों से आपने क्या किया है, उन्हें लिया है, खेतों में पौधे थे धान के, और तब आपने धान ली, धान से क्या निकले, चावल निकले। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो सब्जियां हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, वो कहाँ से मिली होंगी, सेम प्लांट से मिली हैं। मैं आपसे कहूँ आप रोटी खा रहे हैं, तो रोटी आपको कहाँ से मिली, आपने कहा गेहूं से, और गेहूं कहाँ से मिले हैं, सेम प्लांट से मिले हैं। ये सभी में है, ये पल्सेस में हो सकता है, ये सीरियल्स में हो सकता है, ये फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, ये सभी में होगा। अगर आप, मैं कहूँ कि आप क्या कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं, ठीक है, तो ये दूध आपको कहाँ से मिला, आपने कहा कि ये दूध हमें जो एनिमल्स होते हैं, गाय और भैंस, किसी से, किसी का भी दूध हो सकता है, आपने कहा ये मिला है जंतु से, यानी कि गाय और भैंस से मिला है। अब आपने कहा, देखिए जैसे कि मैं कहूँ अगर यहाँ पे पल्सेस, यानी कि हम, मैं दालों के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो दाल आप खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दालों से आपको क्या मिल रही है, प्रोटीन मिल रही है, तो आपने दाल कहाँ से ली है, दाल कहाँ से आपको मिली, आपने कहा प्लांट से, पौधों से आपको दाल मिली है। फिर मैंने कहा कि आप दूध पी रहे हैं, तो दूध आपको कहाँ से मिला, आपने कहा एनिमल से, तो मैंने कहा कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि किसके सोर्स, सोर्स ऑफ फूड, भोजन का स्रोत है, सबसे पहला प्लांट हमारे पास आएगा और सेकंड हमारे पास आएगा एनिमल। अब फूड की जगह मैं प्रोटीन कर दूं तो भी सेम हमारा आंसर होगा। अगर मैं फूड की जगह क्या कर दूं, प्रोटीन कर दूं, तो भी सेम हमारा आंसर होगा कि प्रोटीन आपको प्लांट से भी मिलेगा तो आपको एनिमल से भी मिलेगा। अब आपके पास आते हैं प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के यहाँ पर वो स्रोत जो कि आपको के जो क्या है प्लांट से, और प्रोटीन के वो स्रोत जो यहाँ पे क्या है एनिमल है। तो यही हम पढ़ रहे हैं, पहली लाइन में आपको क्या समझाया गया है, आपने कहा दूध, दूध मछली मांस पनीर और अंडे पशु प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। किसके मुख्य स्रोत है, पशु प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन, यानी कि वो प्रोटीन जो आपको एनिमल से मिल रहा है। तो आपने कहा प्लांट सोर्स क्या होंगे, प्लांट सोर्स से मिलने वाले कौन कौन से हमारे पास जो प्रोटीन है वो कहाँ कहाँ से हमारे पास आएंगे, प्लांट सोर्स क्या क्या है, आपने कहा वेजिटेबल्स प्रोटीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूम्स इंक्लूडिंग अ पल्सेस एंड बीन्स। अब हमने कहा यहाँ पर दालों और फलियों सहित, फलियों से वनस्पति प्रोटीन को प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि जो प्लांट प्रोटीन आपका होगा, ऐसा प्रोटीन जो आपको प्लांट से मिल रहा है वो कहाँ से मिलेगा, दाल से मिलेगा और फलियों से मिलेगा, जो भी आपकी दालें होती हैं उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है घर के लिए, आप ये सर्च करके लेके आएंगे कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस दाल में पाई जाती है, ठीक है, क्लियर, इतना क्वेश्चन समझ आया कि कहाँ पाई जाती है। अब हमने कहा प्रोटीन के क्या देखते हैं, कार्य देते हैं फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी, दे हेल्प इन बिल्डिंग न्यू टिश्यूज, दे ऑल्सो अकाउंट फॉर अ टफ फाइबरस नेचर ऑफ हेयर एंड नेल्स एंड फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, दे आर अ पार्ट ऑफ आवर ब्लड एंड हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। आपने कहा प्रोटीन के क्या क्या कार्य हैं, अब ये देखिए प्रोटीन कहाँ मिल रहा है, प्रोटीन कितने प्रकार का होता है, ये हमने बात कर ली है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि प्रोटीन के क्या कार्य हैं, हमने कहा हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ये नए ऊतकों के निर्माण में मदद करते हैं, वे बालों और नाखूनों की सख्त रेशेदार प्रकृति और मांसपेशियों की संरचना के लिए भी क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, या हम इसके लिए भी क्या करते हैं, प्रोटीन को खाते हैं, वे हमारे रक्त का हिस्सा है और हमारे शरीर के समुचित कार्य में मदद करते हैं। प्रोटीन के बारे में हम और डिटेल में जानेंगे, ये जो आपका पैराग्राफ है इसे हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से। अभी तक आप ये बताइए कि आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने बात की है और प्रोटीन के प्रकार तक जो हमने बात की, यहाँ तक की जो बात है वो कितने बच्चों को क्लियर है। जी, आईसी थराली आपको आवाज आ रही है, जी, आईसी थराली आपको आवाज आ रही, तो हैंड रेस कीजिए अपना, ठीक है, आवाज आ रही है, चलिए हाथ नीचे कीजिए सारे बच्चे। ये बताइए अभी तक मैंने कहा कि हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस प्रकार से होता है, कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार के भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, एक चीज तो हमने ये डिस्कस की है, और एक यहाँ तक कि जो प्रोटीन कितने प्रकार का होता है और वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, यहाँ तक की बात कितने बच्चों को समझ आ गई है, वो हैंड रेज कीजिए अपना।
एक दूसरे को देख के हाथ नहीं उठाना है, जिसको सच में समझ आया है वो हाथ उठाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपसे पूछूंगी कार्बोहाइड्रेट के बारे में और प्रोटीन के बारे में। चलिए, वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों को समझ आ गया है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया है कि बताइए कि वो कौन सी दाल है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ये आप लोग क्या करेंगे कि आप अपने बड़ों से, हो सकता है आपके जो भाई बहन हैं वो क्या होंगे, हायर क्लासेस में होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे अपनी बुक में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।